तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खामोश, ये भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहेगी। जब तक इसे मौत नहीं आ जाती, कोई इसके पास नहीं आएगा, समझी तुम? जाओ अपने कमरे में। और सुनो, इसका फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता, इसके रूम में ही होगा। ठीक है, फोन तो मैं रखूंगी अपने पास, इसे मरने दो तभी मुझे खुशी मिलेगी। ये क्या फिरौनियत हो रही है इस घर में? मामू, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और मामा के साथ साथ आपको भी अंदर करवाऊंगी। नवीन, जस्ट शट अप इमाद, मैं तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगी। इस बेचारी के ऊपर कभी खंजर से वार करते हो, कभी कातलाना हमला करते हो, और डैड की गैर मौजूदगी का तुम लोग इस तरह से फायदा उठा रहे हो। तुम्हारी वो जिल्लाद मम्मा, उन्होंने इस बेचारी के ऊपर। अरे प्लीज चुप कर जाओ तुम दोनों। मामू आप ही। ऐसा कुछ नहीं हुआ है नवीन जैसा तुम सोच रही हो। अरे कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? अब थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही मिलेगा। अमाद क्या कर रहे हो? बस करो। बदतमीजी की इंतहा कर दी है तुम लोगों ने। जाओ अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ अपने कमरे में जाओ। अगर आयशा को कुछ भी हुआ ना मामू, तो मेरा यकीन करें, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी बहन का मर्डर कर दूंगी। और तुम, मेरे रूम का दरवाजा अनलॉक रहेगा, लेकिन रूम के अंदर आने की जरूरत मत करना। रात को सोने की मोहलत तो मिल जाएगी, लेकिन सुबह तुम्हें कोई नींद से उठा नहीं पाएगा। अमाद, चलो मेरे साथ, आओ आओ, चलो चलो। ऐसा होश करो।